वेलकम टू ग्लेन एंड एबीएस एंटरप्राइजेस। मैं जितेंद्र महेश्वरी, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ग्लेन का एक हॉब टॉप टोटल ब्रास बर्नर के साथ में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो मॉडल है ये बहुत स्पेशियस मॉडल है। ये 77 सेंटीमीटर है। जनरली जब आप 60 सेंटीमीटर के हॉब्स यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाते हैं, आप बहुत बड़े यूटेंसिल्स प्लेस नहीं कर सकते। अब इस बर्नर में क्या दे रखा है, इस हॉब के अंदर ये 77 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 30 इंचज का हॉब है। इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर एम्पल स्पेसिंग है। जब आप इस तरह से हैंड्स मूव करते हैं, पीछे के जो बर्नर्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। और जब आप 60 सेंटीमीटर के बर्नर यूज करते हैं उसमें एक बर्नर के बैक साइड में एक बर्नर होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप यहाँ पे फ्रंट साइड पे एक बड़ा बर्नर यूज करते हैं, बैक साइड का बर्नर यूज करते वक्त बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे या तो स्टीम लगती है या आपके हाथ जलने लग जाते हैं। इसके अंदर और भी एडवांटेजेस हैं, वो मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। पहला, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये मॉडल टोटल ब्रास है। इसके अंदर जो बर्नर है, मेन जो कैप है वो भी, टॉप जो है वो भी फोर्ज ब्रास बर्नर है। और जो इसके अंदर बेस है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर और स्प्रेडर बोलते हैं, ये भी इसमें ब्रास है। तो ये टोटल ब्रास हो जाता है। टोटल ब्रास होने के बाद में बेनिफिट ये आता है कि इसके बीच में कभी कभार बहुत लंबे टाइम के बाद में जो गैप आ जाता है बर्नर्स के बीच में, वो गैप नहीं आता और इस बर्नर्स की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। दूसरा हम जो डिस्कस करेंगे वो इसके पैन सपोर्ट होते हैं। इसमें जो पैन सपोर्ट्स हैं ये कास्ट आयरन, डाई कास्टेड कास्ट आयरन है। इसमें कहीं पे भी जॉइंट्स, कहीं पे भी वेल्डिंग नहीं है। ये कास्ट आयरन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्टडी होते हैं। दूसरा क्या होता है कि इस पे कास्ट आयरन होने की वजह से ये रफ होते हैं। अब रफ कोटिंग होने का बेनिफिट होता है कि ये कभी भी स्लिप नहीं करता। कोई भी यूटेंसिल्स रखते हैं ये बहुत एंटी स्लिप होते हैं। दूसरा इसमें दे रखा होता है ट्वाइस लैमिनेटेड टफन ग्लास होते हैं जो नॉर्मल ग्लास से 8 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। मेटल्स इसके अंदर नॉब जो है वो मेटल के दे रखे हैं, अलॉय है, तो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं और इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये गोल्डन रिंग के साथ में जो टोटल ब्रास को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मैच करते हैं। तो इसमें एट द एंड एक चीज और है कि आजकल क्या होता है कि आपकी एक प्रिफरेंस होती है, कभी कभार आप बिल्ट इन ना करा के उसको सिर्फ ऊपर रखना चाहते हैं, तो उसको आप बिल्ट इन भी करा सकते हैं और इसको आप ऊपर भी रख सकते हैं, फ्री स्टैंडिंग भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।